यूपी के बुलंदशहर में रुपयों को लेने देने को लेकर चली आ रही दुश्मनी के चलते 30 मई को बाइक सवार चार बदमाशों ने गोली मारकर दिन दहाड़े पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या कर दी थी। आपको सीधा रिजवान अंसारी के पास ले चलते हैं। रिजवान, पूर्व प्रधान की हत्या कब, कैसे और क्यों हुई थी? देखिए, दिल्ली सटे उत्तर प्रदेश के खुर्जा नगर में घनी आबादी के बीचों बीच जब ये मीरपुर के प्रधान हैं, अधिवक्ता हैं मौजम प्रधान, जब ये कचहरी आ रहे थे तो दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में चार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली बरसाकर कैलाश हॉस्पिटल के पास अब से 3 महीने पूर्व इनकी हत्या कर दी। रिजवान, हत्या के इतने दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? परिवार का, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों से साठगांठ के चलते पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपी खुले घूम रहे हैं। हालांकि इलाका पुलिस ने नामदर्ज आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस जहां एक और आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, वहीं मृतक के परिजन पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। रिजवान, आज क्या कुछ हुआ इस मामले में? देखिए, मृतक के बड़े भाई जो एडवोकेट हैं, उन्होंने हाईकोर्ट से आदेश भी कराया है कि इसमें जांच कराई जाए, शीघ्र कार्रवाई कराई जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और इसका परिवार इकट्ठा हो रहा है, कुछ लोग परिवार के इकट्ठे हो रहे हैं और पुलिस अधिकारियों के पास इसी मामले को लेकर जा रहे हैं कि 3 महीने 3 दिन का समय बीतने के बाद भी नामदर्ज आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और वो खुले घूम रहे हैं। किसी भी समय परिवार के साथ कोई बड़ी संगीन वारदात हो सकती है। रिजवान, अगर आपकी पीड़ित पक्ष से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? पीड़ित पक्ष का कहना यह है कि पैसे के लेन देन को लेकर जिन 4 लोगों ने इनकी हत्या की थी, हम बार बार पुलिस के पास जा रहे हैं, हाईकोर्ट का अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों से मिल रहे हैं, वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, वकीलों ने हड़ताल भी की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई गंभीरता नहीं बरती है और ना ही नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रिया रिजवान आपका हमसे जुड़ने के लिए। यूपी के कुशीनगर में एक महिला को उसके पति ने विदेश से फोन कर 3 तलाक दे डाला। अब पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। अनुराग तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। अनुराग, 3 तलाक को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन फिर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, 3 तलाक पे सरकार जो है तमाम तरह की जो है कड़ी कार्रवाइयां कर रही हैं, उसके बावजूद भी जो है लगातार ये मामला उठ रहा है। कुशीनगर जनपद में इस वक्त हम खड़े हैं खड्डा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा जखिनिया में, जहाँ पे पीड़ित के घर हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे एक 3 तलाक का मुद्दा आया है। जो कि पति जो है घर आने के बाद जब दोबारा वो विदेश गए हैं तो महिला को फोन पर ही 3 तलाक जो है दे दिए हैं। क्या वजह रही 3 तलाक देने की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वजह जो है वो अभी साफ नहीं हो पा रही है। हालांकि महिला के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि पति जो है 4 साल पहले जब शादी हुई है तो 4 साल 3 महीने पे जो है आए हैं और उसके बाद से 20 दिन रहे हैं। 20 दिन के बाद जब वो दोबारा विदेश गए हैं तो उसके बाद से उन्होंने जो है महिला को फोन पर ही 3 तलाक की जो है बात कह डाली है। हम पीड़िता से भी जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पीड़िता से बात करवाते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? सऊदी गई ना, 8 महीना रहा ना, 8 महीना से 4 महीना पाई ना, फिर दोबारा गए ना तो 1 तलाक दे दी। क्या बोले आपको वो? 3 तलाक देते हैं। 3 तलाक दे दिए फोन पे? हाँ जी सर, तो बिल्कुल यही मामला है। जिस तरह से हमने अभी पीड़िता से जो है बात किया है कि वो जो है यहाँ से जाने के ठीक बाद जो है 3 तलाक कह करके और तलाक दे दिया, जिसके बाद लड़के के घर वाले, इनके जो पति हैं तराबुद्दीन, मैं बता दूं, उनके परिवार के लोग जो है इनको यहाँ इनके घर पे छोड़ दिए ला करके, जखनिया टोले में इनका घर जो पड़ता है खड्डा ब्लॉक अंतर्गत। अनुराग, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया महिला को? जी बिल्कुल, महिला के जो पिता हैं उन्होंने नजदीकी थाने में जो है तहरीर देते हुए इस मामले में जो है कानून से न्याय की जो है गुहार लगाई है। पुलिस जो है इसमें जांच में जुटकर और कार्रवाइयों में लगी हुई है। शुक्रिया अनुराग हमसे लाइव बात करने के लिए और इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपको फिर से। गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 44 के सुमान कॉलोनी का हाल इन दिनों बेहद, कॉलोनी में जहां देखा वहां पानी ही पानी नजर आता है। सलीम खान हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। सलीम, कॉलोनी में पानी पानी नजर आ रहा है, आखिर ये पानी आया कहां से? बंद सर, ये यहां पर जो गंगापुर सिटी का जो नाला है उसका निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी के अंदर पानी और पानी का आलम नजर आ रहा है और यहां पर लोगों के घर पूरी तरीके से जर्जर हालत में हो चुके हैं और लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर, दूसरी बस्ती में जाकर किराए
सरकार विकास का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन यहाँ हाल देखकर लगता है कि यहाँ का विकास का नामो निशान भी नहीं है। सर, ये वार्ड नंबर 44 रंगनपुर सिटी नगर परिषद का है मामला, मगर यहाँ पर किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि ये क्षेत्र नगर पालिका में आता है। सलीम, क्या प्रशासन को कॉलोनी की हालत का पता है, और अगर पता है फिर भी ऐसे हालात का जिम्मेदार कौन है? सर, इस बारे में मैंने जब वार्ड पार्षद से किया, बस्ती वालों से इस चीज में रूबरू हुआ, तो हमारी टीम को बताया गया कि हमने कई बार वार्ड पार्षद को बताया है, वार्ड पार्षद ने हमारी आवाज को, वार्ड पार्षद का कहना है कि हमने ईओ साहब सभापति महोदय नगर परिषद गंगापुर सिटी में इसके सामने हमारी बातें रखी है, मगर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधी बेवकूफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिस कारण मामूली कहासुनी भी बड़ी वारदातों का रूप ले। संवाददाता अरुण कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या हो गया लोगों को मामूली सी बात पर जान ले ली? आपको बता दें कि मेरठ के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, अपराधी बेवकूफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अरुण, क्या कुछ पता चला है, कौन थे अपराधी? सर, अभी कोई ऐसा कोई पता नहीं चल पाया। एसपी देहात का हमने कहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, कुछ अहम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जल्दी हथियारों को पकड़ लिया जाएगा। शुक्रिया अरुण कुमार आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत भडरिया में एक गरीब विकलांग महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। महिला सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए दर दर के ठोकरे खानों को है मजबूर। रियाज, महिला को क्यों नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, इस पर क्या कहेंगे आप? इस बारे में जब संबंधित सचिव से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि सादिका बेगम का नाम सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में इनका नाम न होने के कारण इन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका। रियाज, सरकारी अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए इस मामले पर? जी, उन्होंने यह अवगत कराया है कि आवास योजना के पात्र छोटे हुए लाभार्थियों की सूची में इनका नाम सम्मिलित करा दिया गया है, लक्ष्य शासन द्वारा लक्ष्य प्राप्त होने पर इन्हें आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। शुक्रिया रियाज आपका हमसे जुड़ने के लिए। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। यहाँ दबंगों ने 12 साल के विकलांग को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। सीधे संवाददाता लक्ष्मीकांत का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत, दबंगों ने 12 साल की विकलांग को क्यों पीटा, इस पर क्या कहेंगे आप? मामला जो बंडा थाना क्षेत्र के मुहदेरपुर का है, जहाँ मृतक बच्चे की माँ गाय को लेकर जा रही थी, तो वहाँ नाली का प्लास्टर हो रहा था, तो प्लास्टर के उसके गाय का पैर पड़ गया, जिससे प्लास्टर को ठोकर गया था। इस बात को लेकर दबंगों ने गाली गलौज की उसके साथ और मारपीट की, जिसको लेकर उसने बंडा थाने में तहरीर दी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की गई थी। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की इस मामले पर अभी? पुलिस ने सर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। यह मामला 29 तारीख का, जब गाय का पैर पड़ा था तो वहाँ जो मृतक के बच्चे की माँ है वो गई थी तहरीर लेकर, वहाँ तहरीर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद में 30 तारीख को उस महिला ने, बच्चे की माँ ने फिर तहरीर दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। कल भी जो है इस दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जब भी पुलिस वहाँ नहीं आई। लक्ष्मीकांत, अगर आपके पीड़ित पक्ष से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना पर? जी, हमारे बच्चे की माँ से बात हुई थी तो उसका कहना था कि पुलिस वालों ने किसी तरह की सुनवाई नहीं की, अगर पुलिस वालों ने सुनवाई की होती तो उसके बच्चे की मौत नहीं होती। लक्ष्मीकांत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के अंतर्गत दलित परिवार को जान से मारने की फिराक में घर में कई युवक घुस गए। युवकों ने एक महिला के सिर पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। गाजियाबाद के अम्बेडकर विजयनगर के अम्बेडकर कॉलोनी में कल कुछ दबंगों ने ऐसा उत्पात मचाया, पूरे घर में एक तो तोड़फोड़ की और रोडों से परिवार वालों की पिटाई कर डाली। पिटाई इस कदर जबरदस्त की थी कि उनको गंभीर चोटें आई भी हैं। आइए आपको क्या नाम है सर आपका? वीरपाल। वीरपाल जी, कल क्या हुआ था, कैसे दबंग आए आपके घर में और किस कदर आपको पीटा गया आपके परिवार वालों को? सर, ऐसा हुआ कि हमारे एक रिश्तेदार आए हुए थे। अच्छा। और वो वापस अपने घर जा रहे थे, तो एक थोड़ी सी टक्कर फुलिया किसी पड़े जी। तो उसको जब मोटरसाइकिल कुदा रहे थे तो पीछे एक हमारी लड़की बैठी हुई थी, तो उस टाइम पे वो बंद हो गई मोटरसाइकिल, वो दोबारा स्टार्ट करके जो चढ़ाए तो एक उठ का आया, पहले तो मेहमान ने दो थप्पड़ दिया उसने खींच के, धक्का दिया और लड़की में भी थप्पड़ दिया और उसको भी खींच लिया एकदम। क्या आपकी पुरानी रंजिश थी उन युवकों से? ऐसा पहले कुछ नहीं है जी, पहला ही चांस है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में फिर जब ज़्यादा लड़ाई बढ़ती हुई चली गई तो हम चौकी पे गए। अच्छा।
चौकी पे जाने के बावजूद वहाँ हमने रिपोर्ट लिखवाई, बावन ने खाली एक पेज पर लिखवा कर और रख लिया। अच्छा, वो तहरीर लिख के दी होगी, मोहर लगा के दी? वो मोहर लगा कर कुछ नहीं दी। अच्छा, अभी दी नहीं है कुछ भी? कुछ भी नहीं दिया जी उन्होंने, मतलब आपके आपकी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं? दर्ज नहीं है जी बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा। और दो पुलिस वाले फिर आए हैं और उनके घर गए हैं, उसके बाद में फिर वो पुलिस वाले उनसे मिला कर और वापस जाते फिर ईंट पत्थर प्रदर्शन चालू हो गया जी, खुले एकदम गली के अंदर। अच्छा। जिसमें हमारी माता जी को गंभीर चोट आई है और हमारे एक दो उनकी खच्चर तानी गुस्सा पीटी भी हुई है, और उसके बाद में हमारे घर पर जाकर देखिए आप क्या तोड़ा फोड़ी हो रही है, सारा सामान सारा खूंखार नहीं हुआ पड़ा, गेट वेट में भी खूब ईंटें बज रही हैं, बाहर ऊपर चौक में भी ईंटें खूब बरस रही हैं, आप जाकर देख लीजिए एक बार। और हमें इतना डर है अब भी उन लोगों से कि शायद वो मारने की धमकी दे रहे हैं, बार बार फैसले करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हम फैसला नहीं चाहते। अब भी इनको इतना डर है, इतना वो सता रहा है खौफ, ये घर जाने से भी कतरा रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस वाले क्या कार्रवाई करेंगे। अभी फ़िलहाल अभी तक तो इनके कोई रिपोर्ट वगैरह कोई दर्ज नहीं की गई है। गाज़ियाबाद से शादाब अब्बासी, CMN न्यूज़।